हेलो, वालेकुम वालेकुम शाह सलाम। चंदा बोला। साहब। वालेकुम जी शाह साहब, मैंने एकदम आपके हो चुके थे, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था जैसा आपने तरीका बताया था। तो मेरी दो चार ख्वाहिशात थी कि एक मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाए, कोई रास्ता नहीं बन रहा, और एक कि हमारा उम्र का इंतजाम हो जाए, और एक घर मेरे हस्बैंड सेल कर रहे थे 2 साल से, वो नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैं मनी दम में बैठ रही हूँ, माशाल्लाह ये सारे काम हुए हैं। घर सेल माशाल्लाह हो गया है, तो उसमें हस्बैंड को अच्छा प्रॉफिट मिला है, 2.5 लाख तकरीबन। तो उसका ये कि हम उम्रे के लिए नियत कर रहे हैं अब जाने की, और प्रमोशन माशाल्लाह काफी हद तक हो गई है, बस वो इंक्रीमेंट में तंग कर रहे हैं। इतना काम माशाल्लाह काफी ज्यादा काम बन चुका है जो पहले 2-3 सालों में नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा आपको जरूर बताऊंगी ये। और अब मैं वो दुआ और तवज्जो की पोस्ट में भी सारे अपने मसले डाल रही थी कि घर, जाती घर भी खरीद लें हम, तो इंशाल्लाह बस आपने थोड़ी सी दुआ करनी है उसके लिए। और ठीक है, ठीक है। आमदनी आपकी खुली है ना, यानी कि अच्छी आमदनी अल्लाह है? का शुक्र है, आमदनी अच्छी है, बस हैंड टू माउथ वैसे ही रहते हैं, लेकिन वैसे कोई मसला नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं। नहीं, हैंड टू माउथ है तो अपना घर कैसे लेंगे? जमा जमा करेंगे तो बस वो लेंगे हस्बैंड ने ना। लोन ले